नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे लोग लेट्स ग्रो के अंदर अपनी आईडी लगाते हैं, आईडी को एक्टिवेट भी कराते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में जब उनकी टीम बड़ी हो जाती है, जब उनकी वॉलेट के अंदर पैसा बढ़ जाता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और वो अपना पैसा विड्रॉल लगाने लगते हैं, तो उनके सामने समस्या उत्पन्न होती है कि उनका पैसा रिफंड हो जाता है। यानी कि वो अपना पैसा वॉलेट का अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। काफी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, समस्या आ रही है, उनको पता नहीं कि ये समस्या क्यों आ रही है। इसका एक ही कारण है, आपकी आईडी के ऊपर रीपर्चेस ना होना। यानी कि अगर आपकी आईडी 45 दिन पुरानी है, अगर 45 डेज आपकी आईडी को बिल्कुल बने हुए हो गए, एक्टिवेट किए हुए हो गए और आपने 45 डेज के अंदर अपने आईडी के ऊपर एक बार भी रीपर्चेज नहीं किया, तो आपकी आईडी फ्रीज हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी आईडी फ्रीज हो जाएगी और आपकी आईडी तभी एक्टिवेट होगी जब आपकी आईडी के ऊपर 1,000 रुपये का रिपर्चेज होगा। और जितने महीने आपकी आईडी के ऊपर रिपर्चेज नहीं होता, उतने महीने का आपको अपनी आईडी के ऊपर रिपर्चेज करना होगा, तभी आपकी आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी और आपके वॉलेट के अंदर जो भी पैसा है वो आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोग यही समस्या से जूझ रहे थे कि सर हमारे वॉलेट के अंदर पैसा है लेकिन हम बिल्कुल विड्रॉल नहीं लगा पा रहे, क्योंकि इसका कारण यही है कि आप अपना पेमेंट इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि आपकी आईडी के ऊपर रीपर्चेज नहीं हुआ। अगर आपने अपने आईडी के ऊपर रीपर्चेज किया तो आप अपना पेमेंट बिल्कुल अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।